तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा भारी कौन सी चीज है, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? एक पत्थर, एक पहाड़ या फिर पूरी पृथ्वी, जिसका वजन 5.972 × 10⁴ kg है। लेकिन मैं आप लोगों को आज एक ऐसी अनोखी चीज के बारे में बताऊंगा जिसके एक चम्मच का वजन कई बिलियन टन्स होता है, वो है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार अंतरिक्ष में पाए जाने वाले ऐसे स्टार हैं जिनका वेट सूर्य से 1.4 गुना ज्यादा होता है। इनकम्प्रेसिबल डेंसिटी के कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन में बदल जाते हैं और इसी कारण इस स्टार का नाम न्यूट्रॉन स्टार रखा गया है। जब कोई स्टार सुपरनोवा में बदलता है तो अंत में एक छोटा सा गोला बच जाता है जिसका डायमीटर केवल 20 किलोमीटर रहता है। अगर 15 किलोमीटर डायमीटर वाले दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकरा जाएं, ब्लैक होल का निर्माण होता है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑब्जर्विंग। ब्रह्मांड एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर इतनी गहराई है कि आप अपना पूरा जीवन इस एक शब्द के अध्ययन में लगा दें फिर भी कम है। और मैं इस रास्ते पर तो बढ़ चला हूँ, मगर देखते हैं कि आगे मैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ, मैं अपनी इस जर्नी में सक्सेसफुल हो पाता हूँ या नहीं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें मेरा साथ देने के लिए और देखें कि मैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। तो आज हम इसी ब्रह्मांड के एक विशाल और अविश्वसनीय चीज के बारे में जानेंगे। हमारे जहन में ब्रह्मांड और ब्लैक होल जैसे शब्दों के बाद यदि कोई चीज विशाल और अविश्वसनीय लगती है तो वो स्टार। हमारी गैलेक्सी में 1 अरब से भी ज्यादा स्टार्स हैं और पृथ्वी पर जिसके बिना जीवन संभव नहीं है वो है सूर्य। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट है। हमारा सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोर पर स्थित है। जिस प्रकार हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूर्य भी 251 किलोमीटर/सेकंड की चाल से मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य को एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, जिसे हम लोग ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं।